नमस्कार, दीपावली और धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है दीपावली, यानी कि दीपों का त्योहार, जो कि आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय दर्शाता है। और इसी दीपावली के दिनों में पड़ने वाला एक खास त्योहार है धनतेरस। साथियों, साल 2022 को धनतेरस की बात की जाए तो वो पड़ेगा 23 अक्टूबर को रविवार के दिन। लेकिन अब हम आपको बताते हैं धनतेरस के पीछे की कथा। मुख्य रूप से धनतेरस धन्वंतरी भगवान का त्योहार है। ये देव धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जो कि समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर पैदा हुए थे। जिस प्रकार भगवान विष्णु दुनिया के पालनहार कहे जाते हैं, उसी प्रकार धन्वंतरी देव पूरी दुनिया के वैद कहे जाते हैं। वे महावैद हैं, जो कि हमें सभी प्रकार के रोग, कष्टों, दुख और तकलीफों से बचाते हैं। मित्रों, मैं आपको सुनाता हूँ भगवान धन्वंतरी और धनतेरस त्योहार की कथा। इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य देने वाली है। ये कथा आपके जीवन की हर मुश्किल को हटा देगी। सत्य होता कुछ यूं है कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी मृत्यु लोक में भ्रमण के इरादे से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब विष्णु जी ने कहा कि आप मेरे साथ चल सकती हैं, किंतु मैं तो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, इसीलिए जहां भी मैं जाऊं मेरे पीछे मत देखिएगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, ना मैं आपके पीछे आऊंगी ना ही आपके पीछे देखूंगी। लेकिन जैसे ही विष्णु जी दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, माता लक्ष्मी के भी मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा है क्या दक्षिण दिशा में, जो कि भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते हैं, अकेले ही जा रहे हैं। इसीलिए प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध माता लक्ष्मी भी श्री हरि विष्णु जी के पीछे दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने लगी। आगे चलकर माता लक्ष्मी ने देखा कि सरसों का एक बड़ा सा खेत आ गया है। वहां पर सरसों के फूल देखकर माता मंत्र मुग्ध हो गई और उन फूलों को तोड़कर अपने बालों में सजाने लगी। लेकिन विष्णु जी आगे बढ़ते ही जा रहे थे, माता लक्ष्मी भी उनके पीछे ही थी। आगे चलकर एक गन्ने का खेत आ गया। माता लक्ष्मी भी चार गन्ने तोड़कर मधुर मधुर रस पीने लगी। श्री हरि विष्णु जी ने पीछे देखा कि माता लक्ष्मी चार गन्ने तोड़कर मधुर रस पी रही हैं। ऐसा देखकर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आपने मेरी आज्ञा की अवमानना की है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप इस खेत के मालिक उस किसान की 12 वर्षों तक सेवा करेंगी, यही आपका दंड है। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी को श्राप देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब माता लक्ष्मी उस किसान के घर में रहने लगी। लेकिन वह किसान अत्यंत ही दरिद्र था, बहुत ही गरीब था। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आप एक काम कीजिए, लक्ष्मी का ये छोटा स्वरूप लीजिए और दिन रात इसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, घर की साफ सफाई कीजिए और माता लक्ष्मी के सूक्ष्म स्वरूप की पूजा करना आरंभ कर दीजिए। अगले दिन किसान की पत्नी ने माता के कहे अनुसार माता लक्ष्मी के सूक्ष्म रूप की पूजा की और अगले ही दिन उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और धीरे धीरे 12 वर्ष सुख पूर्वक बीत गए। लेकिन 12 वर्ष के पश्चात जब माता का श्राप परिपूर्ण हुआ, तो किसान के घर में उन्हें विष्णु जी स्वयं लेने आए। लेकिन माता लक्ष्मी को भेजने से उस किसान ने इनकार कर दिया। लेकिन जिस दिन विष्णु जी उस किसान के घर में आए थे, उस दिन वारुणी पर्व था। इस पर्व की महत्ता समझाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उस किसान को कहा कि आप जाइए, परिवार सहित गंगा स्नान कीजिए और ये चार जो कौड़ियां हैं, इन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए। तत्पश्चात आप यहाँ आइएगा, मैं इस स्त्री को लेकर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। विष्णु जी के कहे अनुसार वह किसान भी चार कौड़ियां लेकर परिवार सहित गंगा जी में गया और गंगा स्नान करने लगा।
तत्पश्चात उसने वो चार कौड़ियां माता गंगा को जब प्रवाहित करना चाही तो गंगा जी से चार हाथ निकले, तो उस किसान को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने माता गंगा से पूछा कि ये चार हाथ किसके हैं, तो गंगा माता बोलती हैं कि ये चार हाथ मेरे नहीं हैं। तो वो किसान पूछता है फिर किसके हैं, तब माता गंगा ने कहा कि ये चार हाथ माँ लक्ष्मी के हैं और उनके पति ने ही आपको ये चार कौड़ियां दी हैं। वो स्त्री कोई और नहीं, वह स्वयं माता लक्ष्मी हैं और जो पुरुष उनको लेने आए हैं वह उनके पति स्वयं श्री हरि विष्णु जी हैं। लेकिन एक बात सुनो किसान, तुम उस स्त्री को अपने घर से कहीं पर भी जाने नहीं देना, नहीं तो तुम भी पूर्व की तरह दरिद्र हो जाओगे। परिवार समेत गंगा स्नान करके जब वो किसान घर आया तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अब मैं जाती हूँ। लेकिन उस किसान ने माता का दामन पकड़ लिया और प्रभु के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि नहीं माता, आप नहीं जा सकती, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब श्री हरि विष्णु जी बोले कि यह माता लक्ष्मी हैं, इनका स्वभाव ही चंचल है, ये कहीं पर भी ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरती हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनियों के पास भी ये बहुत समय तक नहीं ठहरती हैं। यह तो मेरा श्राप था जो इन्होंने 12 वर्षों तक तुम्हारी सेवा की और तुम्हारा घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। लेकिन किसान ने हठ पूर्वक कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं नहीं जाने दूंगा। तो विष्णु जी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यह मेरी स्त्री हैं। तो किसान भी कहने लगा, यह मेरी माता हैं, आप किसी और स्त्री को ले जाइए, लेकिन मैं इनको नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान की भक्ति देखकर कहा कि यदि तुम चाहते हो कि मैं सदैव तुम्हारे घर में रहूं तो जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करो। कल तेरस है और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की अच्छी तरह सफाई कीजिएगा, सुगंधित धूप बत्ती जलाइएगा और कल तेरस के दिन मैं तुम्हारे लिए धन का तेरस मनाऊंगी। इसके लिए तुम सुबह सुबह अपने घर में दीपक चला के रखना और सायंकाल तक मेरी पूजा करते रहना और एक तांबे के कलश में धन भर कर रखना और फिर उसी कलश में मैं तुम्हारे घर में सदा सर्वदा के लिए वास करूंगी। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी लेकिन तुम्हें कभी भी दरिद्रता प्राप्त नहीं होगी। मैं तुमसे दूर कभी भी नहीं रहूंगी, तुम्हारे घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तुम प्रति वर्ष इसी प्रकार मेरी पूजा करते रहना। और अगले दिन उस किसान ने माता लक्ष्मी का उसी प्रकार पूजन किया और तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने उस किसान को धन धान्य का आशीर्वाद दिया और श्री हरि विष्णु जी के साथ वैकुंठ लोक में चली गई।